क्लास टेंथ में पढ़ने वाले सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। ये जो वीडियो है उन छात्रों के लिए जो मैथ्स में अपने आप को कमजोर समझते हैं और बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके इससे संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, इजीली आप इसके अंदर नंबर ला सकते हैं, चाहे वो कितने भी आप मैथ्स में कमजोर है, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं करना है। देखिए, एक प्रश्न आपके 100% ये आता ही है हर बोर्ड एग्जाम के अंदर कि समांतर श्रेणी दे रखी होती है, उसके अंदर से आपको पूछा जाता है प्रथम पद और सार्वांतर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एपी लिए एग्जाम्पल के तौर पे 3 1-1-3 डैश करके ऐसे आपके एक एपी दे रखी होगी, चाहे किसी भी टाइप की एपी हो, आपको प्रथम पद और सार्वांतर कैसे निकालना है। देखिए, तो प्रथम पद के लिए कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे लिखना है ऐसे प्रथम पद, यानी पहला पहला पद है वो कौन सा है। तो पहला पद को ए से लिखते ही आपको ध्यान रखना है, ए से प्रेजेंट करते हैं, ए बराबर लिखेंगे आप जो भी आपके एपी लिखा हुआ है, डॉट के बाद में पहली पहली जो संख्या है उसको उठा के ऐसा का ऐसा लिख लो, यहाँ पे कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, ऐसा का ऐसा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग वाला काम ही नहीं है। उसके बाद में आपको लिखना है सार्व अंतर, तो सार्व अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना है, ब्रैकेट में लिखेंगे डी, डी का मतलब होता है डिफरेंस यानी अंतर। ठीक है, तो सार्वांतर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, देखिए जो ये पहला पद है और ये है दूसरा पद, तो दूसरा पद है उसमें से पहले पद को घटाना है, यानी पहला पद क्या है दूसरा पद क्या है एक, पहले लिखोगे फिर माइनस करोगे और उसके बाद में पहले पद को लिखना है, पहला पद कितना है 3, ये लिखा 3, यानी ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। ठीक है, तो आपको तो बस दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है, तो दूसरा पद मैंने लिखा पहले और उसके बाद में पहला पद लिखा। अब देखिए, एक में से 3 को घटाना है, तो एक में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2। इतना आपको पता ही होगा कि जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाता है तो क्या आता है, माइनस। तो यहाँ पे जब एक में से 3 नहीं जा रहा था तो क्या किया हमने, 3 में से 1 को घटा दिया और आ गया। तो ये कमजोर छात्र भी इसको बोर्ड एग्जाम के अंदर अटेंड कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग वाला काम नहीं है, इजीली आप इसके अंदर एक नंबर ला सकते हैं। थैंक यू।